हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये मेरे आने वाले 2-3 वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो इसे मिस होने ना दीजिए। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं बात करूँगा कोरोना वायरस के डेथ ट्रोल के बारे में, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपने मैसेजेस देखे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं, जिसमें अलग अलग तथ्य उन्होंने दिए गए हैं। कुछ का कहना है कि ये जो वायरस है वो चाइना से ही फैला है, और उसकी वेट मार्केट जो कि चाइना में एक वुहान नाम का शहर है, वहाँ पर एक वेट मार्केट है जहाँ से ये वायरस फैला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सोची समझी चाल है चाइना की, चाइना के ही कुछ साइंटिस्ट इसे एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज़ करके इसको रिलीज़ किया है, ताकि वो इसको चेक कर पाएँ। कुछ का कहना है कि ये वायरस उन्हीं साइंटिस्ट से एक्सीडेंटली बाहर निकल गया है, और अब ये वायरस कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जितने मुंह उतनी बातें। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा डीन कुंट्स के लिखे गए नॉवल द आईज ऑफ डार्कनेस के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था। ये डीन कुंट्स एक अमेरिकन राइटर हैं, जिन्होंने ये नॉवल 1981 में पब्लिश करवाया था, और उसी नॉवल में उन्होंने जिक्र किया था कि एक वायरस जो कि चाइनीज साइंटिस्ट ने रिलीज़ किया है वुहान शहर से, उस वायरस का नाम उन्होंने वुहान 400 रखा था। 400 यानी कि ये इस डेडली वायरस की 400th जनरेशन है, जो कि काफ़ी डेंजरस वायरस है, साइंटिस्ट ने फैलाया है, और वो इसे बायोलॉजिकल वेपन यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ओपिनियन है एक अमेरिकन राइटर का। नॉवल के अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि 2020 में एक वायरस आएगा जो कि 40 साल पहले लिख चुके थे, जो कि ऑल ओवर द ग्लोब फैलेगा, बहुत ही तेज़ी से फैलेगा, और बहुत सारी ये जानें लेके जाएगा, और ये वायरस जो है वो चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा फैलाया जाएगा। यही नहीं, बात ख़त्म होती इसमें। यही ये भी बताया गया था कि ये वायरस दोबारा वापस आएगा 10 साल के बाद, और उसके बाद ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कुछ क्लियर किया गया कि अगर इसको एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया है तो ये दोबारा कैसे आएगा, और एकदम से ये ख़त्म कैसे हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ क्लैरिटी नहीं है। अगर इस वायरस के बारे में मैं कुछ और बात करूँ, तो इस नॉवल में लिखा गया था कि अगर ये वायरस किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा तो उसकी जान लेने के बाद ही ये दम लेगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो नॉवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया कि जब ह्यूमन की, जब उस इंसान की डेथ होगी, तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये पहुँचेगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये वायरस उस ह्यूमन के साथ, उस इंसान के साथ भी ख़त्म हो जाएगा। नॉवल के अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि वायरस लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के काबिल नहीं है, वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया है कि चाइना में अगर हम जनवरी के महीने की बात करें, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 8 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और लो टेम्परेचर जो लोएस्ट होता है वो 0 to 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस काफ़ी लो टेम्परेचर में फैला। तो ये बात भी यहाँ पे जो नॉवल है उसके साथ मैच नहीं करती, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंगली ये वायरस काफ़ी हाई डिग्री, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के काबिल है, लेकिन असल में ये वायरस बहुत ही कम तापमान में, कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है। तो जैसे कि हम बात करें सारस की, जो कि 2002 में चाइना में ही फैला था, और काफ़ी कंट्रीज़ में बाद में ये फैला और काफ़ी इंसानों की जान ली थी, तो वो सारस भी जैसे जैसे गर्मी आती गई, टेम्परेचर बढ़ता गया, वो ख़त्म होता गया। तो ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर अप होता जाए, गर्मियाँ आती जाएँ, इस वायरस से निजात मिलनी काफ़ी ज़्यादा हमें मुमकिन लग रही है। तो जाते जाते अगर मैं डीन कुंट्स के नॉवल द आईज ऑफ डार्कनेस की बात करूं, तो इस वायरस को जो भी लोग इस नॉवल के साथ मिलाकर देख रहे हैं, शायद ये एक कोइंसिडेंस हो कि इसी टाइम पीरियड पे ये वायरस
रिलीज़ हुआ है जो कि उस नॉवल में तब लिखा गया था। तो बहुत सारी जो रिसर्च कंपनीज़ हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने फ़िलहाल इस वायरस के जीनोम को सीक्वेंस कर लिया है और जल्द ही कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर हो सकता है इसकी वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये शॉर्ट सा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।